हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल और रिपोर्ट में। मैं हूँ KTM हाइटेक सिटी में और मुझे दिखा KTM ड्यूक 200। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या है पहले वाले ड्यूक मॉडल से। तो सबसे पहले आप डिफरेंस देख ही सकते हो विजुअल में कि ये जो विजुअल है, ये जो फ्रेम है, ये सीधा ड्यूक 250 से लिया गया है। यहाँ पे सब फ्रेम है जिसके वजह से इसका लेंथ और सीट हाइट दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। और पहले वाले ड्यूक में आपको मतलब एक नॉर्मल स्टैंड मिलता था, पर इसमें आपको एक स्पोर्टी स्टैंड मिलता है ऐसे। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा कम हो गया है, 155 mm हो गया है, क्योंकि इसका जो कैटलिटिक कन्वर्टर है यहाँ पे, इसके वजह से Bs6 की वजह से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा कम हो गया है। और इसका इंजन जो है 90 Nm का टॉर्क और 24.5 PS का पावर आउटपुट देता है। और इसमें वेट गेन भी हुआ है क्योंकि ओवरऑल जो बाहर के पैनल्स है ये पूरे नए हैं, तो 9 kg के आसपास वेट गेन हुआ है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है इसके जो ABS सिस्टम था वो सिंगल चैनल ABS सिस्टम था, अभी इसमें डुअल चैनल ABS सिस्टम है, तो आपको ज्यादा सेफ रख सकता है ये हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पे। मैं ये LED लाइट ऑन करके बताता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल पुराना ही है, बट क्योंकि ये ड्यूक 250 से इंस्पायर्ड है तो इसका LED लाइट आप देख सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है। स्पेशली ये ब्लैक और ऑरेंज कलर में बेहद खूबसूरत लग रहा है गाड़ी। तो गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए मिलते ही मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये था KTM का ड्यूक 200। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और